लेकिन मुझो प्यारो बारो ठाए वाल आए वहां जो उम्मीद आए ता तो हां वट सब खैरियत ही सुख सा हुंदो बारो पहरियों असाइनमेंट मा आ तो हां की सिंधी अकरण ही ग्रामर जी बारे में कुछ अहम गाल बताए हो आई अलिफ बे जी मश कराए हो आई सबक मल्ला जी बुलंद खानी आई मश्क मुकम्मल कराया हो बारो मुखे उम्मीद आए तू सिंधी जो पहरियों असाइनमेंट जो तमाम काम मुकम्मल करदो हो बारो 80 नवंबर जी सिलेबस मां तवा के बकर जो किलो जी बुलंद खानी कराया हो आई तू के हुर्फ़े ताजी मां मजीद अहम गाल बुदायो बारो आता के बता बुदायो दा सिंधी में याई मारूफ आई याई मजहूल में कोबा को फ़र्क ना आए मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधी में छोटी ये और बड़ी ये यानी याई मारूफ और याई मजहूल छोटी है याए मारूफ और बड़ी है याए मजहूल में कोई फ़र्क नहीं है ठीक है ही गाल बा याद रखण घुर्जे त सिंधी में जिडन ये जो हुर्फ लफ्ज़ जी पछाड़ी में अची तो तिदन की टपका दियण में ईंदा आहन पर उर्दू में आयन को ना आहे ये बात भी याद रखिए कि अगर सिंधी में जहाँ याए मारूफ यानी छोटी है लिखा जाएगा आखिर में तो उसके नीचे नुक्ते लगाए जाएंगे जबकि उर्दू में ऐसा नहीं होता उर्दू की जो छोटी ये होती है उसमें नुक्ते नहीं आते और सिंधी वाली में आते हैं ये देखिए ठीक है बारो ये तुम्हारा जो सिंधी अकरण आहन अलिफ सा पे तायन आओ रिपीट कंदो हो अलिफ बे बी भे थे ते थे ठे ठे से पे अलिफ बे बी भे ते थे टे ठे से आई पे जीम जे झ हे चे छे हे आई खे जीम छे झ हे चे छे हे आई खे जीम जहाज जीम दो चश्मी है अलिफ जे जहाज सिंधी में किस तरह लिखेंगे जीम दो चश्मी है अलिफ जे जहाज जुत्ती जीम ते छोटी है सिंधी में किस तरह लिखेंगे जीम ये छोटी है जुत्ती यानी चप्पल जमून झे जे जमून जीम और जे की आवाज़ एक जैसी निकलेगी जब हम इन दोनों को पढ़ेंगे इन दोनों में सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है वरना इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है ठीक है जीम
या जे, जे जमून सिंधी में लिखेंगे जमून, जीम मीम वाव नून जमून, जामन, जिब जे भे जिब जबान, झ जीम और दो चश्मी है को मिला के बनता है झ, झंडो सिंधी में लिखेंगे झंडो, जीम झ नून दाल वाव झ झंडो, झंडा झ रे काफ और छोटी है, झरकी चिड़िया, हे हज, हे इसको हे ही पढ़ेंगे, ठीक है सिंधी में हे ही पढ़ेंगे और उर्दू में बारात, मीम हे मी रस्सी, चे नून दाल चंदो चांद, क्या पढ़ेंगे इसको चे, तीन नुक्तों वाला क्या होता है चे, चे नून दाल चंदो चांद, चे अलिफ काफ वाव चाकू छुरी नाइफ, छोकरी छे, छे किस तरह छे की आवाज आएगी इस तरह से जैसे छे और दो चश्मी है को मिलाकर लिखेंगे, छे छोकरी छे, छे वाव काफ रे छोटी ये छोकरी लड़की, छे ते ये छटी छतरी अम्ब्रेला, हे हे वाव ज्वाद हौज, हौज स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल इंग्लिश में समझा रही हूँ उर्दू में भी हौज ही कहते हैं इसे, हुको हे काफ वाव हुको, तजदीद इसलिए है हे काफ से भी मिल रहा है और वाव से भी मिल रहा है, हुको हुक्का, खे खत खे तोए सिंधी में भी खत उर्दू में भी खत, खच्चर खे चे रे खच्चर गधा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अलिफ भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ।